बेलीपा थाना क्षेत्र में रुपयों के लेन देन में 14 जुलाई को हुई मजदूर कमलेश के चौथे हत्यारोपी तथा 15,000 के इनामी शातिर अपराधी परशुराम यादव पुत्र स्वर्गीय हरिद्वार यादव निवासी ग्राम चेरिया थाना बेलीपार को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस घटना में नामजद 6 अभियुक्तों में से 2 ने अदालत में समर्पण कर दिया था। 1 अभियुक्त को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आपको बता दें कि थाना बेलीपार में मजदूर के 2 लाख रुपए मांगने के विवाद को लेकर 14 जुलाई को ग्राम चेरिया थाना बेलीपार निवासी कमलेश पुत्र रामा चौधरी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें वादिनी जयमंगला देवी पत्नी रामा चौधरी द्वारा 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें संतराज यादव, शैलेंद्र पुत्र राम संत यादव, रूपेश यादव पुत्र राम संतराज यादव, बीरू यादव पुत्र संतराज यादव, परशुराम पुत्र रामा संत शामिल है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि शेष बचे 2 आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी ने बताया पैसे के लेन देन के विवाद में 1 व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसके अंदर कमलेश नाम की व्यक्ति की हत्या की गई थी गोली मार के। इस संदर्भ में 302 का अभियोग थाना बेलीपार के अंदर पंजीकृत किया गया था, जिसके अंदर टोटल 6 लोगों को नामजद किया गया था। उसके अंदर से 1 व्यक्ति को तत्काली गिरफ्तार किया गया था, बाकी शेष 5 व्यक्तियों को सबके ऊपर 15,000 का रिवार्ड घोषित किया गया था। उसमें से 2 लोग ने न्यायालय के अंदर आत्मसमर्पण किया था। 1 व्यक्ति जो परशुराम इसके अंदर वांछित था, जिसके ऊपर 15,000 का इनाम था, इसको थाना बेलीपार की पुलिस ने गिरफ्तार किया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। शेष 2 लोग इनके शेष रह गए, उनकी भी गिरफ्तारी NBW इत्यादि कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। नहीं, अभी गिरफ्तार 6 लोग सारे ही इसके अंदर नेम्ड किए गए थे, जिसके ऊपर आरोप है गोली चलाने का, वो अभी शेष है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए।